करना पड़ता है शादी के बाद, मस्त बनी है लेकिन। तो 6% खून रहता है ना, हम लोग उठ नहीं पाए, बट इसके अंदर पता नहीं भगवान ही देता है इसको इतनी एनर्जी। तो डॉक्टर के तो दिखा दिया इसको और पी लिया है इसको। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग आए हो, बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, आज मैंने दिन में ब्लॉगिंग नहीं करी। और हमारे रोज जीवी ऑफिस आ चुके हैं, आज मैंने खाने में मतलब खाना तैयार कर दिया, बट डिम बनाएंगे आज ये, ठीक है। आज मैं अपने पति देव से बनवाऊंगी खाना, मतलब कि वैसे तो हेल्प करते हैं यार खाना बनाना, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, बट इन्होंने आज तक रोटी नहीं बनाई, तो सिंपल इनको आज टास्क दिया जाएगा एक पूरी बनाने का, ठीक है। मुझे आज ये गरम गरम, मैंने आज खस्ता कचौड़ी बनाई है, तो गरम गरम ये खस्ता कचौड़ी मुझे, मैं भर दूंगी उसमें जो फिलिंग होती है ना वो भर के दूंगी, और ये बेलन से उसको बेलेंगे और फिर कढ़ाई में उतारेंगे, ठीक है बाबू। जैसी बनेगी वैसी खाने, हाँ कोई बात नहीं। तो इसमें हो रही है मेरी आलू की सब्जी, खस्ता कचौड़ी वाली सब्जी है इसमें, और ये है दाल की फिलिंग जो इसमें लोई बना के मैं इसके अंदर भरूंगी इसमें फिलिंग को। ये उरद की दाल की है, मसाले सारे डाल के, नमक मिर्च हींग और सबसे मेन सौंफ, इतना काम कर देती हूँ, बाकी इसके बाद जो काम करेंगे वो रोहित जी करेंगे आज। तो अभी ना मम्मी पापा और मेरी बहन आ रही है, सबसे बड़ी वाली सिस्टर लवी, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, 3 दिन से वो खाना आना नहीं खा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी आँखें पीली पीली हो रही है। तो मैंने कहा एक बार मैं जिस डॉक्टर को दिखाती हूँ ना उसको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत जल्दी मतलब उसकी दवाई ना एक बार में ठीक कर देती है, पता नहीं क्या है उसके हाथ में जादू सा। तो आलू तो अच्छे से हो गए बट अभी डन नहीं हुई है, और आलू की सब्जी जो खस्ता कचौड़ी की बनती है ना, ये ना जीरे में नहीं छौकी जाती है, मेथी में छौकी जाती है। और अभी मैं इसमें डालूंगी बेसन घोल के अच्छे से, करीब 2 चम्मच में बेसन जाएगा, तो इस कटोरी में मैं बेसन डालूंगी पहले, बस ये करीब 2 चम्मच के बेसन लिया है मैंने, तो इसे पानी डाल दिया, अब इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ। तो अच्छे से इसको मैंने बेसन को घोल लिया, पानी और डाला था मैंने, देखिए हम डाल देंगे इसमें और फिर इसको चलाते रहेंगे, इसको चलाते हुए रोकना नहीं है बिल्कुल भी, अगर रोक दिया तो इसमें रोनिया सी पड़ जाएगी बेसन की। इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी, सारी डाल दूंगी, इसी से टेस्ट आता कसूरी मेथी से सब्जी में। ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, कैच का, थोड़ी सी अच्छी बनती है चटपटी सी सब्जी। तो सबसे पहले आप हल्का सा इसमें तेल लगाओ, कैसे लगाओगे पता है, हाँ बस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोले भटूरे की दुकान पर काम करता हूँ। इसको डायरेक्ट नहीं डाली जाएगी, मैं मेरा ना अलग होता है तरीका, मैं ना ऐसे नहीं बनाती डायरेक्ट डीप फ्राई करके, मैं पहले तवे पे सेकती हूँ और फिर तेल में फ्राई करती हूँ, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है डायरेक्ट डीप फ्राई करने पे ना, तो पहले तवे पे सेकती हूँ फिर फ्राई करूंगी इसे मैं। ओ बेटा बस बस ज्यादा ज्यादा मत ना पतली, बस 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 इस पे रखो तवे पे, सही बना दी वैसे रोहित जी ने, गोल नहीं बनी बट मोटी मोटी सी बनी है जीप सी। चिमटा लो चिमटा, हाथ से कर रहे हैं, जल जाएगा हाथ, करंट लगवा देती ना मेरे। हाँ कर दिया, हो गया। क्या क्या करना पड़ता है यार शादी के बाद, डाल दी यार, एक तो तेल फ्राई हुआ ना बहुत तेज आंच थी तेल की, पलटो इसे, तो जल्दी तो बस पलटो इसे और जला दी, मैं आपको ऐसे जली जली देती हूँ। करा रही है, वो अरे यार सरसों का तेल है ना, ये अच्छे से पकाया जाता है ना सरसों का तेल, तो सब आंसू आंसू आ गए। तो प्लेटो बनी है लेकिन, हाँ जल गया यार। शादी होने के बाद भी क्या क्या करना पड़ता है यार। मम्मी तो आ गए, पापा कहाँ रह गए पता नहीं, वो गाड़ी वो जगह ही नहीं दिख रही थी, अब तो मेरे को खड़ी करती खड़ी। इन लोग को खाना ना खिला दिया मैंने, तो अभी मम्मी ने खाना नहीं खाया ना लवी ने खाया, लवी को पहले डॉक्टर के दिखाती हूँ मैं एक बार, तो स्कूटी से लेके चलती हूँ पास में ही है ये, तो मैं शिवांग और अंजू को दिखाती हूँ। तो डॉक्टर के शॉप से तो अभी दिखा देते हैं एक बार लवी को, तो डॉक्टर के तो दिखा दिया इसको और पी लिया है इसको, कल टेस्ट वगैरह होगा इसका। बाबू लेट जाओ, लेट जाओ, तबीयत ठीक नहीं है बाबू आपकी, कितनी
जितनी भी तबीयत खराब हो जाए, हम लोग बता अगर 6% खून रहता ना हम लोग उठ नहीं पाए, बट इसके अंदर पता नहीं भगवान ही देता इसको इतनी एनर्जी, दौड़ रही है, इसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने इसको टेस्ट वेस्ट करवाने को बोला, इसका खून बहुत कम है इसके शरीर में, और ये खून की बॉटल वगैरह भी नहीं चढ़वाती है, जल्दी से टेस्ट भी नहीं करवाएगी। कल टेस्ट है इसका, ब्लड टेस्ट अभी करवाएगी नहीं, बहुत मुश्किल में करवाती है ये खून वून, सुई से ना बॉटल लगता है इसे। मम्मी बहुत, चलो मैंने बुला लिया था वैसे, क्योंकि अब मुझे पता चला था आज ही, तो मैंने बुला लिया था मम्मी को इसको, और यहाँ पे मम्मी ने थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी यहाँ पे, और शिवांग मेरा दूध उबाल रहा है, मैं यहाँ से पूरा एक सेट सा करती हूँ, बिस्तर से बिछा दी सब। 10:30 बज गए हैं, तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, एंड राधे राधे।